तो भाइयों और बहनों, अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो जो मेरा पीसी टेबल है ये थोड़ा सा ना लेफ़्ट साइड में था, ठीक है, इधर यहाँ से शुरू हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब मैं गेम खेलता था तो मैं लेफ्ट हैंड से फुल कीबोर्ड पे ऐसे से हिलता था, मैं समझ रहा ऐसे ऐसे कीबोर्ड की जबानी होती ना, तो यहाँ पर ऐसा हाथ टच होता था तो बड़ा गुस्सा सा आता। तो मैंने इसको ना थोड़ा राइट शिफ्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे क्या हुआ, मम्मी वैसे शिफ्ट कर रही थी जब, ठीक है, तो यहाँ पर ना ये थोड़ा सा नीचे से टूट गया इसका टेबल। तो ये टेबल कभी भी खिसक सकता है, गिर सकता है, और कोई दिक्कत नहीं है, टेबल तो नया आ जाएगा। लेकिन भाई ऊपर मॉनिटर पड़ा है तो उसको कुछ नहीं होना चाहिए, बट आई थिंक टिक जाएगा थोड़ा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बट इट लुक्स नाइस। एंड बाय द वे, आई एम हैविंग मसल ब्लेस का आइसो जीरो लो का ट्रॉपिकल मैंगो फ्लेवर, वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन आउट देयर अवेलेबल इन द मार्केट। इसका 100% प्रोटीन अभी आइसोलेट से आता है, एंड दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, और बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको मिल सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करो, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड मोहित30, याद रखना। और भाई मैं थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज बोलने वाला हूँ, बट आई डोंट फाइंड ये क्रिकेट मैचेस इंटरेस्टिंग एनीमोर। मजा ना पहले आता था जब इंडिया की टीम ना थोड़ी अंडरडॉग हुआ करती थी, क्योंकि पहले ना फटी रहती थी कि भाई ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, ऑस्ट्रेलिया हमें पेल देगी, ओ भाई साउथ अफ्रीका के साथ मैच है वो हमें पेल देगी, तो ऐसा लगता था कि हम हारने का डर रहता था, और थोड़ी ना पेट्रियोटिज्म वाली भावना बहुत थी। पहले पाकिस्तान के साथ मैच होता था, भाई अफरीदी को भाई गौतम गंभीर धक्के मार रहा है, लड़ाइयाँ हो रही, गाली गलौज हो रही, अब साला हाथ मिला रहे हैं, जो कि अच्छी बात है भाई, दोस्ती यारी होनी चाहिए दोनों कंट्रीज के बीच में, पर उससे ना मजा कम हो गया यार, समझ रहे हो, लड़ाई वड़ाई थोड़ा सा ना मतलब मजा आता था कि भाई। मेरे को याद है 2011 में जो वर्ल्ड कप था, देखिए धोनी ने छक्का मार के जिताया था, और जैसे ही धोनी ने छक्का मार के मैच जितवाया और कॉमेंटेटर ने एकदम से बोला भाई धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल ऐसे करके कुछ बोला था, और भाई टी शर्ट उतार दी थी, रोड पे नाचे थे हम टी शर्ट उतार के, तो वो जो देशभक्ति वाली भावना थी ना, वो पता नहीं यार मतलब मजा नहीं आ रहा, मतलब फील नहीं आ रही यार। आपको भी लगता है क्या क्रिकेट में थोड़ा सा मजा मसाला कम हो गया, कोई नया स्पोर्ट देखना पड़ेगा क्या, इंडिया की फुटबॉल टीम कुछ करे यार, मतलब मजा आए। गाइस आई जस्ट रियलाइज मैंने ये चीज बोली अभी कि देशभक्ति की भावना थोड़ी कम हो गई है, मुझे डर लग रहा है लोग मुझे कैंसिल ना कर दे। अरे तूने देश के बारे में कैसा बोल दिया भाई, देशभक्ति देश के लिए कम नहीं हुई है, वो मैच देखते हुए थोड़ी सी फील कम आ रही, मैं कहना चाहता था, ठीक है, क्लियर करना जरूरी है। मिस्टी आज ताऊ लेने आए आपको स्कूल से, हेलो कर दो ताऊ को। ए आ आ ये हुई ना बात, अच्छा ताऊ को नमस्ते तो कर दो मिस्टी, मिस्टी अस्सलाम कर दे, अस्सलाम तो कर दो यार, अस्सलाम कर दे। गाइस मैं कुछ इतना इग्नोर क्यों कर दे, वो समझ नहीं आता, कल मैंने ऐसे चॉकलेट दिलाई और फुल एक बार में ले ली इसने, लेकिन अब नमस्ते करने की बारी आ गई मिस्टी, आप ऐसे एटीट्यूड दिखा रहे हो मिस्टी, एक बार एक एक बार देख लो बस, अरे हाथ मिला लो, चलो अच्छा एक बार हेलो कर दे, चल हेलो कर दे, हेलो तो कर दो मिस्टी यार, हेलो कर दे ना। यार फुल इग्नोर, फुल इग्नोर, ये गणेश जी पूरा मैं गणेश जी पूरा, सुंदर लड़की देखी नहीं बता लिया। गाइस मिस्टी की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन कि कौन सी चॉकलेट ली जाए, खुला ऑप्शन है, खुला ऑप्शन, देखो हमारे बचपन में हमें ऐसा ऑप्शन कभी नहीं मिला, ये दिला दूं, ये सस्ती वाली बोलना, देख उसको पता है 60 वाली कौन सी है, डर गई वो 60 रुपये देख के, चल जे ये ले ले सो, गाइस हैविंग माय बेस्ट मील ऑफ द डे। हाँ मुझे अपना खाना दिखाने में आपको बहुत मजा आता है, क्योंकि आई नो नॉट ऑल माय व्यूअर्स वुड बी हैविंग समथिंग डिलिशियस एट द मोमेंट ऑफ वाचिंग दिस वीडियो, तो आपको दिखा के चिढ़ा के मुझे एक पर्सनल अचीवमेंट सी लगती है कि मैंने कुछ अचीव करा आज के दिन में। तो हॉर्न बजा ले भाई, तो हॉर्न बजा दो, रुकेंगे वीडियो पॉज करेंगे, बजा लिया, बढ़िया भाई। यहाँ पे है कोल्ड कॉफ़ी और ऊपर से मैंने फ्रेंच वनीला गिरत नहीं, एंड साथ में आई एम ऑल्सो हैविंग माई सैंडविच, और सॉसेजेस हैं, सलामी है, दिस इज गुड ब्रो, ये होता है टेस्टी मील, एंड द मेन थिंग ये मेरी डाइट का पार्ट है। इधर आ भाई, इधर आ, कितने किलो का डंबल है भाई, 50 किलो भाई, वो गलती से उन्होंने प्राइस चिकन लगा दिया, ठीक है, ये 50 pounds है, नहीं, और आप देख सकते हो जंग खा रहे डंबल, मतलब इस जिम में उठाया नहीं गया है काफ़ी टाइम से, एंड एज यूजल इस डंबल की क्या बोलते हैं उद्घाटन मैं करने वाला हूँ, भाई चोट बहुत भारी है, नहीं हो पाएगा, भाई नहीं हो पाएगा, मजा आप से नहीं हो पाएगा, ओवर एक्टिंग भी नहीं कर सकता, चल नहीं हो पाएगा, सच में नहीं हो पाएगा, चल लग गया यहाँ से, वो पता लग गया नहीं हो पाएगा, चलना मार, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या बोला तू, नहीं हो पाएगा, अब सही में नहीं हो पाएगा, पागल है क्या,
उद्घाटन मैं करूंगा। अभी अगली बना नहीं बिठा रहे हैं, उद्घाटन मैं करूंगा। फिर से वीडियो बनाए और 45 में सेम चीज करेंगे आज। ओए खड़ा बाहर निकल जल्दी, अभी थोड़ा टाइम है, दो हफ्ते बाद। कहीं जैसे कि आप देख सकते हो ये 45 किलो का डंबल है, 45 पाउंड्स, ठीक है। इसमें जंग लगा हुआ है और इसका उद्घाटन मैं करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से जिम में किसी ने उठाया नहीं है। नहीं उठेगा भाई, भाई नहीं उठेगा, भाई नहीं उठेगा, नहीं उठेगा। इसमें भी डर लग रहा है। इसमें भी क्या मतलब, इससे पहले कौन उठाया? पढ़ी साली की अगला नहीं उठाएगा। पढ़ी पढ़ी नहीं है डंबल, लंबा है, लंबा, ठीक है। तो ऐसे में देखो हमें स्टर्नल पे हम फिर कर लियो, हमें स्टर्नल वो करनी है, क्या बोलते हैं, चेस्ट प्रेस। ऐसे में दिक्कत हो रही है, नॉर्मल ऐसे में कर लेता, प्लास्टिक की करा लंबा है। इन वाले भैया के गोलगप्पे पूरे हैं, मुंह में सही आते हैं। फक ब्रो भाई, हां मेरे को तेरे कोई बात नहीं करनी, मुझसे दूर हो जा। चलो हो गया, पूछ तो ले क्या हो गया, क्या हुआ यार, सैड हुआ थोड़ा यार, बंदी छोड़ के भाग गई। छोड़ के नहीं भागी भाई, मेरे से ना मेरी बात हो रही थी उससे काफी दिनों से, ठीक है, पूरे मैसेज पे चली गई। अब बोल लूं एक बार, ट्राई कर, एक बार बोल लेता हूं तो सुन ले एक बार, ठीक है। बात कर रहा हूं मैं उससे, ठीक है, ढंग से रिप्लाई करी, फिर रैंडमली एक दिन रिप्लाई करना बंद कर दिया, सीन पे छोड़ दिया, इग्नोर मार दिया। क्यों, फिर तीन दिन से की बातें कर रही थी, अब इग्नोर ही, सीन पे छोड़ना था तो होता रहता मेरे साथ, तेरे साथ भी होता, तो कैसे डील करूं मैं इस पेन से। बात ही ना करो, छोड़ो। तो बात तो उसने करना छोड़ दी ना, मेरे से पहले उसने छोड़ दी, तो बेइज्जती आपकी हुई ना फिर, मेरी बेइज्जती हो गई। अब मैं इसे रिकवर कैसे करूं, ब्लॉक मार दो। अच्छा तो उसने छोटा कदम उठा, तो मैं बड़ा कदम उठा लूं, सच बात बोलूं, उसे ब्लॉक भी कर दिया मेरे को पहले ही, ब्लॉक कर दिया। हां अगर ब्लॉक करा है कुछ बात हुई है। मैंने उसे रोज बस वो कहते, रोज गुड मॉर्निंग भेजता था, बड़े वाले मैसेज नहीं होते कि आपका दिन शुभ हो, मजा आए, लाइफ अच्छी चले। ऑब्वियसली भेजोगे तो इरिटेट होगी ना, वो इरिटेट होगी, वो नॉर्मल चेप ना हो, नॉर्मल चेप होगी तो लगेगी डेस्क हुआ है। अब तू इतना शेयर कर ही रहा है, तो तू अपनी सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी बता। हार्ट ब्रेकिंग क्या, दो बार हो चुकी है मेरे साथ, मतलब ऐसी कि भाई उसमें दर्द भरा हो कि लोगों को ना ऐसा लगे कि भाई निक्की भाई ने काफ़ी सफ़र किया, एक लड़की के साथ अपनी हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी बता। ये बात थी, मतलब फर्स्ट ईयर की थी, उस टाइम मतलब 1 साल का था तू, फर्स्ट ईयर मतलब कॉलेज का फर्स्ट ईयर, फर्स्ट फ्रेशर था उस टाइम में। तो फ्रेशर के टाइम पे एक लड़की थी, मैं उसका नाम लेने चाहता, गुड 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 डिसीजन, तू रिस्पेक्ट चाहता की बनी रहे, उसका नाम लेने चाहता मैं, क्योंकि आज वो देख रही होगी कल को ये वीडियो। अच्छा सही कह रहा है, गुड डिसीजन, मैं तेरे से जो रिस्पेक्ट करता हूं। तो अच्छा अच्छा सुन सुन, उसका नाम क्या था, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा ठीक है, ट्रिक क्वेश्चन था। और फिर क्या कहते हैं, हमारी बातचीत हुई, मीट हुए, मीटअप होया। अच्छा मीटअप हुआ, तो और लोगों को बुला तुमने, मतलब मीटअप हुआ, गलत समझ रहे हो, मतलब बातचीत करी हमने क्लास में बैठे। अच्छा तो मैंने करा पहले हाय माय नेम इज समन, मैं चल गया हाय माय नेम इज समन, व्हाट्स योर नेम, समन दैट एबीसी जो उसका नाम है। एंड फिर बात बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, और फिर हम बैठते रहे एक साथ, हम बेड पे रहे। अच्छा बैठते रहे, सर मतलब बैठते थे। अच्छा बैठते थे, बैठते थे। और फिर क्या कहते हैं, उस 3 दिन बाद हंस रहे हो वहाँ पे, फिर एक हफ्ते की बात थी, फिर उसने कॉलेज चेंज हो गया, उसका मतलब बताया था कि माय पेरेंट्स ने कॉलेज चेंज करवा दिया मेरा, क्योंकि 4 राउंड के बाद होता है ना कुछ, होता होगा आपको पता होगा। तो वहाँ के जो कॉलेज के बच्चे थे, मेरे पैसे लगे कि ये कॉलेज चेंज कर दिया, तू ये वो, अच्छा कि तूने इतना एफर्ट मारा उसे कॉलेज चेंज कर लिया, उधर से दूर चली गई। हाँ तो होता रहा, बात चलती रही, मतलब कदम बेकदम चैट्स होती रही, हमारी बात होती रही। फिर ऐसा मोटिवेशन आया कि मैं उस टाइम में समझ नहीं आ रहा था क्या करना क्या करना, फिर दोस्त ने मेरे को बताया सीधा, क्योंकि आई लव यू बोल दे उसे। अच्छा सीधा बोल दे, ओके मैंने बोला कि आई एम लव यू, आई एम लव यू। अच्छा अच्छा आई एम लव यू, मतलब आई लव यू फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज, एंड आई डोंट डिजर्व यू बिकॉज आई एम अ टॉक्सिक पर्सन, एंड मतलब तूने सीधा बोल दिया कि तुझसे प्यार करता है, और तूने बोल दिया कि मैं डिजर्व भी नहीं करता, लेकिन तो क्योंकि मैं टॉक्सिक हूँ, तो अगर वो हाँ बोलना भी चाहती थी तो उसने मना ही करना होगा। तो उसने क्या बोला, केवल नो 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 ऐसे मत कहो, वी कैन बी एज अ फ्रेंड। तो फिर उस टाइम मेरी सनक गई, और फिर 2 दिन बाद चलती रही चलती रही चलती रही, फिर उसका मैसेज आया, डोंट एवर टेक्स्ट मी अगेन। उस टाइम मैं रो पड़ा था, नस काटी थी ना, मैं पागल नहीं हूँ। नहीं पागल तो वैसे है तू, बट ठीक है। अरे सुनो ना, 2 ओवर कट चुका है, 10th में, 12th में, और निकल, कोई दिक्कत नहीं निकी भाई। जिस बंदे का दिल टूटा था ना कई बार, उसका ही दिल प्योर होता है। तो तेरी आगे कहाँ देख रहा है,
उसके आगे आने वाली जो तेरी क्वीन है ना, तो उसको अच्छे से प्यार करेगा। निकी भाई, योर लव इज आउट देयर वेटिंग फॉर यू। निकी भाई, ऑलवेज रिमेंबर। और कुछ करना है? करते सेक्स करते हैं। देखो भाई, तू जो जो भी है तू देख रही होगी वीडियो, आई डोंट केयर, बट एक घंटा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तू चली गई है। मैं तेरे से अच्छा करूँगा और तू कोई और ढूंढ, पर अच्छा करूँगा तेरे से मैं, और इतनी मेहनत कर लूँगा तू सोरी बोलने आएगी मेरे से। वो भी लाइन एप्लीकेबल होगी, धोएगी तू कच्चे और गंदे बर्तन, देखेगी सास बहू और दूरदर्शन। यार आप सही में कह रहे हो यार, अब यार सीरियस मोटिवेशन की बिगाड़ दिया आपने। अबे भाई ये गाना है ना, मैं कह रहा तेरे पे लागू होता क्या गाना, पूछ रहा तेरे से। कट कर दो यार, कोई नहीं छोड़ो। चलिए मैं कट कर दूंगा। मैं पूछ रहा था कि तेरे पे एप्लीकेबल है, तू ऐसा सोचता क्या? अगर ऐसा सोचता तो गलत बात है। देखो यार ऐसे मतलब मैं कर रहा हूँ ना कि उसे वो होना चाहिए ना कि मैंने क्यों ऐसा बोला उसे। मैं एकदम प्योर हार्ट का था, मतलब केयर करता लोगों की। अब जो वैसा तो करेंगे तो बताओ आप, मतलब मैं एग्जामिन करूँ कि आप मेरी जगह हो और ऐसा सब कर दो, केयरिंग कर दो लोगों की, उनसे मतलब प्यार से बात करते हो। कैसे केयर कैसे करता तूने, कैसे केयर करी उसकी? आंसर शेयर करी उसे, आंसर्स बताए मैंने। अच्छा, उसका हाल चाल पूछा, मतलब उसे जो उसकी जरूरत थी वो पूरी करी मैंने। हाल चाल तो मैं भी तेरे से मिलता पूछता हूँ कि और कैसा फीवर भी थी ना, फीवर का बताया तू, वो पाया कि ये लो किसी से ठीक हो जाएगा। पहले से टमोल बता दिया तूने? मैंने अच्छा बताया। वो डोलो डोलो साले गंदी दवाई है। सो गाइस दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में बहुत मजा आया होगा, मुझे भी इसको एडिट करने में बहुत मजा आया। और बाकी इस वीडियो को कम से कम 2500 लाइक्स दे देना प्लीज़ यार, मैं ज़्यादा लाइक्स मांगता नहीं हूँ लेकिन कभी कभार मांगता हूँ, तो दे दिया करो। बाकी बढ़िया चल रही जिंदगी, एल सी नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, दिस इज मुकेश।